नमस्कार दोस्तों, फिलो सब नेचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको दो ऐसे प्लांट्स बताऊंगी दोस्तों, हमेशा की तरह मैं वही प्लांट्स बताती हूँ जिसमें आपको कम खाद पानी की रिक्वायरमेंट हो, प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ हो और किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, हरा भरा रहेगा और कम मिट्टी में भी बहुत ही अच्छा सर्वाइव करने वाला सालों साल प्लांट्स हैं। तो उसमें से एक प्लांट्स है दोस्तों, इस प्लांट्स का नाम है सिंगोनियम। इसको आप देखिए, इसको मैं टीन के डिब्बे में लगाई हूँ जैसा कि आप देख रहे हो, और इसके 2 से 3 साल हो चुके हैं, 2 साल मात्र हो रहे, अभी 3 साल हुए नहीं है। और ये जो मिट्टी की सतह आप देख रहे हो, आधी मिट्टी है, इसमें दोस्तों बिल्कुल खाद में डाली नहीं हूँ, बिल्कुल भी खाद डाले नहीं। सिंगोनियम्स के जो प्लांट्स होते हैं उसमें खाद का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और ये कम मिट्टी में भी इसकी आप देख रहे हो ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। और यहाँ से ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसके काफ़ी सारे वैरायटीज़ आते हैं, पत्तियों के कलर जो होते हैं मल्टी कलर में आते हैं, तो इसकी कोई भी आप वैरायटी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। ये वाला तो ग्रीन और वाइट के मिक्सअप में है, और इसको अगर आप छटाई नहीं करोगे तो ये मनी प्लांट की तरह भी बढ़ता रहता है। अगर आप छटाई करते रहोगे तो इस तरह से घना हो जाएगा और बढ़ेगा नहीं। ये जो आप देख रहे हो, ये धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा। अगर हम यहाँ से छटाई कर देंगे तो ऐसे, जैसे आप यहाँ पे मैंने देखे छटाई किया है यहाँ पे, तो ये 2 डाली निकल गया है, तो इस तरीके से घना हो जाएगा, ये तो मनी प्लांट की तरह ये क्रीपर जैसा बढ़ता जाएगा। तो ये लेकिन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इसमें मैंने ये जो आप देख रहे हो, कभी मैंने इसको केयर नहीं किया है, बस एक बार मिट्टी में मैंने लगा दिया था, और ये अपने आप, ये जो प्लांट्स हैं ना दोस्तों, जैसा कि मैं बताती हूँ, इसे पहले भी मैंने एक प्लांट्स बताया था, ये भी ऐसा है कि इसको मिट्टी में लगा दीजिए, ये अपना ग्रोथ खुद ही कर लेता है, अपना ध्यान खुद ही रख लेता है। सिंगोनियम्स का बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों, कम धूप ज़्यादा धूप सभी में बहुत ही अच्छा रिक्वायरमेंट होता है, इंसेक्ट्स के बहुत कम लगते हैं, अगर लगते भी है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है दोस्तों डेविल्स बैकबोन, इसका मैं ये वाला इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ये कम से कम, इसका पहले भी मैंने वीडियो दिखाया था कि इसका कम से कम 1 हफ्ते तक मैं ऐसे बाहर छोड़ रखी थी और सिर्फ मिट्टी में मैंने इस तरह से लगा दिया, और इसकी ग्रोथ देखिए बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों। जहाँ पे आप कम खर्च में कम लागत में 100 का प्लांट्स लगाना चाहते हो, हरा भरा आपका प्लांट्स, मतलब आपका गार्डन बहुत ही हरा भरा अच्छा दिखे, तो वहाँ पे ये डेविल्स बैकबोन की जो भी वेराइटीज़ आती है आप उसको लगा ले, बहुत ही अच्छा है। कम मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है और बिल्कुल खाद की, इस प्लांट्स को और सिंगोनियम से प्लांट्स को खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हर कंडीशन में बहुत अच्छा लगता है। इवन 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक बाहर छोड़ दोगे वो तभी भी बहुत हरा भरा रहता है, और उसके बाद भी आप लगाओगे, सिर्फ मिट्टी में आप इस तरह से लगा दो, ज़रा सा भी मिट्टी का ये टच होता है तो ये अपनी जड़ें पकड़ लेता है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसका मैं ज़मीन पे भी लगाई हूँ, डिब्बे में भी लगाई हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये सब प्लांट जो है दोस्तों, कुछ और भी मैं आपको प्लांट्स बताऊंगी जो कम मिट्टी में और बिल्कुल खाद की ज़रूरत नहीं है और कम पानी में भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है और किसी भी मौसम में बहुत अच्छे से मतलब लग जाता है। कुछ प्लांट्स होते हैं कि उसके लिए पर्टिकुलर मौसम चाहिए होता है, उसी मौसम में लगता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि किसी भी मौसम में लगा लीजिए, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, विंटर में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ है सिंगोनियम्स का, चाहे इसका जो समर प्लांट्स है तो थोड़ी सी ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर इसके कंडीशन बहुत ही अच्छा रहता है। जब इसका मौसम आता है तो डबल ग्रोथ हो जाती है, लेकिन हाँ इसे भी इंसेक्ट्स का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है और खाद पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो देख रहे हो, मैंने इसको ज़मीन पर लगाया है, सिंगोनियम्स का डबल बर्ग बोन है जो मैंने ज़मीन पे लगाया, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। ये जो देख रहे हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसे भी आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, इसे भी खाद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और कम मिट्टी में किसी भी मौसम में लग जाता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया का। ये डेविल्स बैकबोन का छोटे छोटे डिब्बे में लगाई हूँ, ये देखिए इसमें कभी मैंने खाद नहीं डाला है और इसकी फिर भी इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। और एक ही दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये है पत्थर चट्टा की फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका नाम अजूबा है। इसमें बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, घने घने फूल खिलते हैं, बस एक ही बार फूल